Welcome in NTA classes and today's topic is important congress session. आज हम important congress sessions के बारे में पढ़ेंगे. तो important congress sessions से भी काफ़ी सारे questions आते हैं, तो हमें इनकी तीन चीज़ें याद करने हैं. तो मैं tabular form में मैंने इसको बना रखा है जिससे कि आपको learn easily हो. तो हम सबसे पहले बात करेंगे कि सबसे पहले तो question years में आता है. दूसरा question आता है कि president उस year का president कौन था. थर्ड आता है कि उनकी प्लेसेस कहाँ कहाँ थी और उनमें कौन सा इम्पॉर्टेंट डिसीजन लिया गया, किस पर ज़्यादा फोकस किया गया, तो इसके बारे में आता है. तो आज हम सबसे पहले एक एक के बारे में याद पढ़ेंगे. अच्छा, सबसे पहले कांग्रेस सेशन था क्या, ये कांग्रेस बनी कैसे. तो बेटा सबसे पहले इसके बारे में बताती हूँ कि 1857 का रिवॉल्ट हो गया, 1858 में पार्लियामेंट हो गया. अब उन्होंने जो ब्रिटिशर्स थे वो टोटली सरप्राइज हो गए कि इंडियन जिन्हें हम बिल्कुल बिना नॉलेज के बिल्कुल अनसिविलाइज समझते थे वो इंसान भी इतना ज़बरदस्त रिवॉल्ट कर सकते. उनको ये डर था कि अगर अगली बार ऐसा रिवॉल्ट हो गया तो ब्रिटिशर्स यहाँ से ख़त्म हो जाएंगे, साफ हो जाएंगे, यानी ब्रिटिशर्स का यहाँ पर जो रोल है वो ख़त्म हो जाएगा. तो उन्होंने सोचा कि ऐसा क्या किया जाए जिससे कि इनके अंदर की बात सामने आ जाए. तो इसलिए उन्होंने सोचा कि एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बनाया जाए जिससे कि इनकी अंदर की बात हमें पता चलती है. और इसीलिए उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया और इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया वो किया AO Rule. ये आयरलैंड के रिटायर्ड पर्सन थे और ये यहाँ पर आए और इन्होंने कांग्रेस बनाने में सेटअप करने में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया. तो कांग्रेस को सेटअप करने फाउंडर ऑफ कांग्रेस इज AO Hume. अच्छा, कांग्रेस का जो सेटअप हुआ अच्छा इस टाइम पर जो वॉइस रॉय थे वो कौन थे, तो वॉइस रॉय थे लॉर्ड डफरिन. अच्छा, अब आता है कि जो फाउंडेशन हुई वो कब हुई, तो कांग्रेस की फाउंडेशन हुई 1885 में. कब हुई, 1885 में. इसके जो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे वो थे WC Banerjee. कौन थे, WC Banerjee. कांग्रेस सेटअप हुई 1885 में. इसके जो फर्स्ट प्रेसिडेंट बने वो WC Banerjee थे. तो WC Banerjee का काफ़ी बार नाम भी पूछा जाता है, तो उमेश चंद बनर्जी थे, ये बंगाल के थे. फर्स्ट जो प्लेस जहाँ पर मीटिंग और सेशन ऑर्गेनाइज किया गया वो किया गया बॉम्बे के अंदर. बॉम्बे के अंदर संस्कृत विद्यालय है जिसके अंदर इसको ऑर्गेनाइज किया गया. और इसके अंदर जो फर्स्ट बार पार्टिसिपेट करने वाले मेंबर्स थे वो 72 मेंबर्स थे. इसके बाद में इसका जो फॉर्मेशन हुआ वो किस नाम से हुआ, इंडियन नेशनल कांग्रेस के नाम से. किस नाम से हुआ, इंडियन नेशनल कांग्रेस के नाम से. अब इसके बाद में आता है दूसरा जो इम्पोर्टेंट इनका जो सेशन हुआ वो 1886 में हुआ. 1886 में दादाभाई नौरोजी ने किया था और ये एक फर्स्ट फारसी इंसान थे एंड ही वॉज द इकोनॉमिक पर्सन जो इन्होंने फर्स्ट इकोनॉमिक थ्योरी दी वो WC Banerjee ने दी. ठीक है, अब इसके बाद में आता है कि इन्होंने जो ड्रेन की इंडियन ड्रेन ऑफ द वेल्थ की जो थ्योरी दी कि हमारे यहाँ से पैसा कहाँ जा रहा है, बाहर जा रहा है, जिसकी वजह से पुअर्टी एग्जिस्ट है, वो दादाभाई नौरोजी ने दी थी. नाउ नेक्स्ट वन जो इम्पोर्टेंट प्रेजिडेंट हुए 1887 में सैयद बदरुद्दीन तैयब जी. सैयद बदरुद्दीन तैयब जी ने जो सेशन ऑर्गेनाइज हुआ वो मद्रास में हुआ एंड ही वॉज द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट. पहला मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन थे, तो पहला मुस्लिम प्रेसिडेंट सैयद बदरुद्दीन तैयब जी थे. कहाँ पर ऑर्गेनाइज हुआ, ये मद्रास में हुआ. कौन से ईयर में इन्होंने ऑर्गेनाइज किया, तो 1887 में किया. नेक्स्ट आता है जो इम्पोर्टेंट है 1888 का सेशन. 1888 में कांग्रेस सेशन ऑर्गेनाइज हुआ अलाहाबाद में. कहाँ हुआ, अलाहाबाद में. और इसके जो प्रेसिडेंट थे वो जॉर्ज यूल एंड ही वाज़ द फर्स्ट इंग्लिश प्रेसिडेंट. और ये कौन थे, फर्स्ट इंग्लिश प्रेसिडेंट.
उसके बाद में जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट सेशन हुआ वो 1896 में हुआ। 1896 में कलकत्ता के अंदर रहीमतुल्ला सयानी इसके प्रेसिडेंट थे, और इस वाले ये इम्पॉर्टेंट है, इसके अंदर पहली बार नेशनल सॉन्ग गाया गया वंदे मातरम, जो किसने लिखा था ये भी ध्यान रखना, रविन्द्रनाथ टैगोर ने। तो वापस से बताती हूँ मैं, 1896 के अंदर कलकत्ता सेशन के अंदर जिसके प्रेसिडेंट रहीमतुल्ला सयानी थे, उनके टाइम पर पहली बार वंदे मातरम गाया गया, और वंदे मातरम जो लिखा गया रविन्द्रनाथ टैगोर, बंकिमचंद चटर्जी। 1899 में रोमेश चंद्र दत्ता प्रेसिडेंट थे, लखनऊ के अंदर हुआ ये, और इसके अंदर पहली बार ये डिमांड की गई कि जो लैंड का अंदर फिक्सेशन होना चाहिए, लैंड टैक्स के अंदर फिक्स होना चाहिए, परमानेंट फिक्स होनी चाहिए लैंड टैक्सेशन के अंदर। तो ये दिस वाज द फर्स्ट डिमांड अबाउट द लैंड, और ये जो 1899 में सेशन रखा गया और जिसके प्रेसिडेंट कौन थे, रोमेश चंद दत्त, और ये जो हुआ कहाँ ऑर्गेनाइज हुआ, लखनऊ के अंदर हुआ। अब नेक्स्ट आता है वो आता है 1901 का। 1901 के अंदर जो ईयर के अंदर जो सेशन हुआ वो क्यों इम्पोर्टेंट था, तो सबसे पहले ये कलकत्ता के अंदर हुआ, और पहली बार 1901 के अंदर गांधी जी कांग्रेस प्लेटफॉर्म पर नजर आए, यानी पहली बार कांग्रेस के अंदर उन्होंने एंट्री करी, पहली बार पार्टिसिपेट किया गांधी जी ने, वो कब किया, 1901 में। और उस टाइम पर जो प्रेसिडेंट थे वो कौन थे, तो उस टाइम के प्रेसिडेंट थे वो दिलशॉ ई वत्सा। अब नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट है कि जब बंगाल डिवीज़न हुआ 1905 में, तो उस टाइम पर प्रेसिडेंट कौन थे, तो उस टाइम पर प्रेसिडेंट थे गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले के ऊपर एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, गांधी जी के पॉलिटिकल गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे, द पॉलिटिकल गुरु ऑफ गांधी जी इज गोपाल कृष्ण गोखले। और ये जो सेशन हुआ वो बनारस में हुआ, इसके अंदर पहली बार स्वदेशी मूवमेंट को फेवर किया। ओके, अब ये समझ में आ गया इतना, ये आपको वापस से रिवाइज करा देती हूँ। 1885 में कांग्रेस सेशन सेटअप हुआ, और इसके अंदर पहली बार 72% ने पार्टिसिपेट किया, ये मुंबई में हुआ, और इसके प्रेसिडेंट WC बनर्जी थे। 1887 में हुआ, सैयद बदरुद्दीन तैयब जी थे, और ये सेशन कहाँ हुआ, मद्रास में हुआ, एंड ही वॉज द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस। 1888 में जॉर्ज यूले अलाहाबाद में सेशन हुआ, और ही वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंग्लिश, सॉरी ही इज द फर्स्ट इंग्लिश प्रेसिडेंट। उसके बाद में 1896 में रहीमतुल्ला सयानी, जिसमें पहली बार वंदे मातरम गाया गया। फिर 1899 के अंदर रमेश चंद दत्ता जो लखनऊ के अंदर, जिसने डिमांड की परमानेंट फिक्सेशन ऑफ लैंड की। उसके बाद में आता है 1901 के अंदर पहली बार गांधी जी दिखाई दिए कांग्रेस सेशन में, और 1905 के अंदर गोपाल कृष्ण गोखले, जिन्होंने स्वदेशी मूवमेंट को सेटअप करने की डिमांड की। इसके बाद वाला जो इम्पोर्टेंट है 1907 का, 1907 के अंदर यानी 1907 में जो वो हुआ सेशन हुआ उसको किया रास बिहारी घोष ने, और इसके अंदर जो कांग्रेस थी वो टू पार्ट्स में स्प्लिट हुई, और इसे ये जो हुआ वो सूरत में हुआ था, इसीलिए इसे सूरत की फूट भी बोला जाता है। अब इसके अंदर जो कांग्रेस है वो टू पार्ट्स में डिवाइड हो गई, एक तो हो गई मॉडरेट और एक हो गई एक्सट्रीमिस्ट, जिसे गरम दल और नरम दल भी बोला जाता है। इसके बाद में जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट है वो 1911 का है, 1911 का। 1911 के अंदर जो सेशन हुआ वो बॉम्बे के अंदर हुआ, और बॉम्बे के अंदर जो प्रेसिडेंट थे वो एस पी सिन्हा थे। बॉम्बे के अंदर हुआ, इसके अंदर पहली बार जन गण मन गाया गया। तो ये ऑल अबाउट, दिस इज़ ऑल अबाउट द कांग्रेस सेशन, और मुझे आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। वापस से बता देते हैं, उसके बाद में 1905 के बाद में कौन सा नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट सेशन है 1907 का। 1907 के अंदर सूरत के अंदर हुआ,
सूरत के अंदर रास बिहारी बोस ने इसको इसके प्रेसिडेंट थे, और इसमें ये टू पार्ट्स में स्प्लिट हुआ कांग्रेस, एक नरम दल और एक गरम दल, एक मॉडरेट और एक एक्सट्रीमिस्ट। और दूसरा जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट था वो 1901 का था, जिसमें हमारा नेशनल एंथम पहली बार गाया गया, जनगण मन। इसके बाद के कांग्रेस सेशन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।